2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों जनता को लुभाने में लगी हैं। जिस तरह से 3 राज्यों में भाजपा की हार हुई, उससे मोदी सरकार को और बड़ा झटका लग गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार फूंक फूंक के कदम रख रही है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश किसी भी तरह के कमजोर गठबंधन को सहन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, अरुण जेटली ने कहा कि इस तरह की कमजोर सरकारें ज्यादा समय तक नहीं चल पाती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस तरह से 3 हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी को झटका लगा है, उससे पीएम मोदी काफी परेशान है। तो वहीं जिस तरह से जनता का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा हो रहा है, यह बात भी बीजेपी को खटक रही है। अगर देखा जाए तो मोदी सरकार से जनता काफ़ी नाराज़ है, और लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां नहीं निकाली और किसानों की कर्जमाफ़ी के लिए बेहतर कदम नहीं उठाया, तो लोकसभा चुनाव जीतना पीएम मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। SPN9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।